गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स सब्जेक्ट हिंदी और बाल राम कथा का ये दसवां टॉपिक है और इसमें हम लंका और हनुमान के बारे में पढ़ेंगे। पहला पार्ट हम पहली वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं और हम आगे का लंका में हनुमान का आगे का पार्ट हम पढ़ेंगे। इसमें सीता कांप रही थी पर उन्होंने रावण की एक नाम सुनी और तिरस्कार किया उनका और रावण ने कहा कि तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है सुमुखी, मैं तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा जब तक तुम स्वयं नहीं चाहोगी और मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूं और मेरी बात मान लो और सुख भोग करो और अन्यथा मैं तुम्हें तलवार से काट डालूंगा और सोच लो कि तुम्हारे पास अब केवल 2 महीने बचे हैं और ऐसा कभी नहीं होगा कि दुष्ट राम के सामने तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है। मुझे राम के पास पहुंचा दो, सीता ने कहा, और वे तुम्हें क्षमा कर देंगे और तुमने ऐसा नहीं किया तो सर्वनाश निश्चित है तुम्हारा। सीता ने रावण को कहा, और तुमने अपराध किया है कि तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, मूर्ख राक्षस, तुम्हारा अंत निकट है। रावण क्रोध में पैर पटकता हुआ चला गया और रात गाड़ी होती जा रही थी और रावण के जाने पर राक्षसियों ने सीता को घेर लिया और उन्हें डराने धमकाने लगी और बोली, तुम मूर्ख हो, रावण का प्रस्ताव ऐश्वर्य कर रही हो। राक्षसियों ने सीता से कहा कि तुम रावण का जो प्रस्ताव है उसको क्यों अस्वीकार कर रही हो, यह रावण की नगरी है और तुम्हारा नाम राम जो है तुम्हारा वो यहाँ कभी नहीं पहुँच सकता है और तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। राक्षसियों में एक त्रिजटा थी, सबसे भिन्न थी यानी सबसे अलग राक्षसी थी वो, और उसने कहा कि मैंने एक सपना देखा है कि पूरी लंका समुद्र में डूब गई है और सब नष्ट हो गया है, यह सपना अच्छा नहीं है, कहीं यह सीता के दुख से जुड़ा तो नहीं है। सीता की हिचकियाँ बंद गईं और वह विलाप करने लगी और देर रात राक्षसियाँ एक एक कर चली गईं और सीता वाटिका में अकेली थी और यह अच्छा अवसर था, पर हनुमान पेड़ से नहीं उतरे, कहीं सीता मुझे भी राक्षस ना समझ ले, माया भी चाल मान ले। और उन्होंने सोचा कि पेड़ पर बैठे बैठे उन्होंने राम कथा प्रारंभ की और राम का गुणगान किया हनुमान ने और रावण की लंका में राम चर्चा सुन कर के सीता चौंकी और उन्होंने ऊपर देखा कि जिधर से आवाज़ आ रही थी, पूछा, तुम कौन हो? हनुमान नीचे उतर आए और उन्होंने सीता को प्रणाम किया और कहा कि राम की अंगूठी उन्हें दी और कहा कि हे माता, मैं श्री राम का दास हूँ और किष्किंधा के बानर राज सुग्रीव का अनुचर हूँ और उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है और आपका समाचार लेने के लिए। हनुमान को लेकर सीता के मन में अब भी शंका थी और उन्होंने पर्वत पर फेंके आभूषणों की याद दिला करके संदेह दूर किया। सीता ने राम का कुशल क्षेम पूछा और कई प्रश्न किए। हनुमान उन्हें कंधे पर बिठा करके राम के पास ले जाना चाहते थे। सीता ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह उचित नहीं होगा,
पुत्र पकड़े हो गए तो मेरा संदेश भी राम तक नहीं पहुँचेगा। सीता ने कहा राम को आगे कि हनुमान ने सीता से विदा ली और वह पूरी सूचना तत्काल राम तक पहुंचाना चाहते थे और चलते समय सीता ने अपना एक आभूषण उन्हें दे दिया और उनकी आंखें नम थीं, यानी आंखों में पानी था। और हनुमान ने कहा कि निराश ना हो माते, श्री राम 2 माह में यहाँ अवश्य पहुंच जाएंगे। और हनुमान के पास लौटने को उद्यत थे, उत्तर दिशा की ओर जाना था, पर कुछ सोच कर रुक गए और उन्होंने रावण का उपवन तहस नहस कर दिया। अशोक वाटिका उजाड़ दी उन्होंने और वृक्ष उखाड़ दिए और विरोध करने वाले सभी राक्षसों को मार डाला। रावण के कई महाबली मारे गए और हनुमान ने लड़ते हुए रावण का पुत्र अक्ष कुमार भी प्राण गवा बैठा और राक्षस भागे भागे महल गए, राजमहल में गए और रावण को इसकी सूचना दी कि एक बानर के उत्पात के बारे में बताया और रावण तिल मिला गया। उसके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा और उसने मेघनाथ को भेजा कि अपने सबसे बड़े बेटे को कहा कि उस बानर को मेरे सामने उपस्थित करो, और उसने जघन्य अपराध किया है। मेघनाद ने हनुमान से भीषण युद्ध किया और वह इंद्रजीत था और एक बार इंद्र को परास्त कर चुका था। इससे उसने अंततः हनुमान को बांध लिया और राक्षसों ने खींचते हुए रावण के द्वार में लेके आ गए उनको, और शक्तिशाली रावण सिंहासन पर बैठा था। और उसे उसके सेनापति ने पूछा कि कौन हो तुम, किसने तुम्हें यहाँ भेजा है? हनुमान के मन में भय नहीं था, मैं श्री राम का दास हूँ और मेरा नाम हनुमान है। आप श्री राम की पत्नी सीता को हर लाए हैं और मैं उन्हीं की खोज में आया था। उनसे मैं मिल चुका हूँ और आपके दर्शन करना चाहता था, इसलिए उत्पात करना पड़ा, और इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। दंड के भागी तो राक्षस हैं, उन्होंने मुझे रोकने का प्रयास किया। और क्रोध में रावण हनुमान को मारने उठा और छोटे भाई विभीषण ने उसे रोक दिया कि कहा कि आप नीतिवान हैं, आप राजन हैं और नीति के अनुसार दूत का वध अनुचित है, आप उसे कोई दूसरा दंड दे दें। हनुमान ने रावण को पुनः प्रणाम किया। मेरा एक निवेदन है कि आप सीता को सम्मान सहित लौटा दें, इसी में आपका कुशल है। धनुर्धर राम ने आप युद्ध नहीं जीत सकते आप। हनुमान ने कहा कि तुम राम से युद्ध नहीं जीत सकते हो। रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगा दी, देने की आज्ञा दी और राक्षसों ने आग लगा दी और जलती हुई पूंछ के साथ उन्हें नगर में घुमाया, और राक्षस छिटोली कर रहे थे और इसी बीच हनुमान ने बंधन तोड़ दिए और एक भवन पर चढ़ कर के उसमें आग लगा दी और एक से दूसरी अटारी पर कूदते उन्होंने सभी भवन जला दिए और हाहाकार मच गया। लंका जल रही थी और धू धू कर राक्षस विलाप करने लगे। अचानक हनुमान को सीता की चिंता हुई और वे अशोक वाटिका की ओर भागे। डर था कि कहीं आग उन तक ना पहुंच गई हो, और सीता सकुशल थी और पेड़ के नीचे बैठी हुई। आग से अप्रभावित हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया, आशीर्वाद मांगा और उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। राम के पास दूसरे तट पर सभी हनुमान की प्रतीक्षा कर रहे थे और अंगद जामवंत और अन्य वानर आते ही उन्हें सबने घेर लिया और हनुमान ने संक्षेप में लंका का
काल सुनाया, हाल सुनाया और सीता से भेंट का क्रम बताया और कहा कि मैंने उन्हें देखा और बात की। यह समाचार शीघ्र ही राम तक पहुंचाना चाहिए, समय अधिक नहीं है। बानर किलकारियां भरने लगे और प्रसन्नता में बानरों का उत्पात बढ़ गया और उन्होंने मार्ग में कई वन उजाड़े और फल खाए और फेंके, दौड़ते हुए चले और किष्किंधा पहुँच गए। राम के पास बानरों के साथ के लेकर के सुग्रीव वहाँ पहुँचे और हनुमान ने राम को सीता द्वारा दिया। राम को सीता द्वारा दिया गया आभूषण दिया, यानी हनुमान को जो सीता ने आभूषण दिया वो राम को दिया उन्होंने, और राम की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने हनुमान से कई प्रश्न किए और वे कैसे हैं, कैसे रहती हैं और उन्होंने कोई संदेश भेजा है। हनुमान ने पूरी बात विस्तार से कही, कहा कि मैंने उनसे भेंट की और वे व्याकुल हैं, चिंतित हैं, हर समय राक्षसों से घिरी रहती हैं और आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं, और उन्होंने कहा है कि यदि राम 2 माह में यहाँ नहीं आए तो पापी रावण मुझे मार डालेगा। राम शोक में डूब गए और भाव विहल होकर के उन्होंने हनुमान को गले से लगा लिया और आंसू रोक नहीं पाए, और लक्ष्य स्पष्ट था, लंका पर आक्रमण, समय कम था और सुग्रीव ने युद्ध की तैयारी तत्काल ही प्रारंभ करने का निर्देश दिया और वानर सेना के लिए पहले से ही तैयार थे और उत्साहित थी, और इस बार उन्हें अलग अलग टोलियों में बांटने की आवश्यकता नहीं थी और अलग दिशाओं में नहीं जाना था, और सबका लक्ष्य एक था और दिशा एक ही थी। और दक्षिण सुग्रीव ने लक्ष्मण के साथ बैठ करके युद्ध की योजना पर विचार किया और योग्यता और उपयोगिता के आधार पर भूमिकाएं निर्धारित हुई, और हनुमान, अंगद, जामवंत, नल और नील तो आगे रखा गया और समुद्र पर चर्चा हुई और उसे कैसे पार करेंगे, ये सब बात करने लगे, और सेना का हर बानर हनुमान नहीं था, यह एक चुनौती थी और देर रात तक चर्चा का विषय रही। और ये अपने लंका में जो हनुमान ने किया और सबका ये बताया है इसमें विवरण। थैंक यू।